मैं राज गोस्वामी। तो इस बार का दिवाली जो है हम लोग सही माने में दिवाली हम लोग इस बार मनाएंगे छोटे छोटे गरीब बच्चों के साथ, क्योंकि दिवाली सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, हम लोग बहुत सारा दोस्त यार साथियों मिलके चाहे कि इस बार हम लोग से ज़्यादा खुशी वाला दिवाली गरीब बच्चों के साथ हो। तो इसीलिए हम लोग जो है आप लोग से भी अपेक्षा करेंगे कि दिवाली जो है खुद नहीं मनाइए, दिवाली का मतलब दूसरों के घर में, गरीबों के घर में भी खुशियाँ लाना है। सही माने में सच्चाई जो दिवाली का वो यही है, सिर्फ अपने खुश न रहिए, गरीब बच्चों को भी खुश रखिए। तो हैप्पी दिवाली सब लोगों को, और आप लोग भी अपने मोहल्ले में गरीब बच्चे जो दिखे उनको पटाखे, फुलझड़ियाँ, दिया, मोमबत्ती, लड्डू, मिठाई जो भी आपसे बनता हो दे। सही मायने में यही दीपावली है। नमस्कार साथियों, मैं जितेश कुमार चौहान खेतुमारी से। कल पूरे भारतवर्ष में दीपावली पूरे धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी लोग पटाखे, मिठाइयाँ, नए नए वस्त्र पहन करके सभी अपने परिवार के साथ दीपावली धूमधाम से मनाएंगे। पर देखा जाता है कि कुछ बच्चे लोग, गरीब लोग हैं, वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए तेतुरमारी के जितने भी समाज से युवा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ये कहना था कि इस बार गरीब वंचित लोग, गरीब लोग भी इससे वंचित ना रह जाए, इसलिए यह प्रोग्राम आज तेतुरमारी के युवाओं के द्वारा किया गया। यह प्रोग्राम पांडेडी स्थित माँ मनसा मंदिर में की जा रही है, और साथ ही साथ मैं आप सभी से भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाता है कि सोशल मीडिया से नीचे स्तर के लोग काफ़ी लोग ऊपर आ जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग भी इसे पॉजिटिव ले करके गरीब बच्चों को दान करें, साथ ही स्वरोजगार के लिए रोजगार किस तरह से मिले, रोजगार के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि हम लोग दान तो करते ही हैं, हम लोग नहीं हटे, लेकिन कब तक, जब तक हम लोग हैं तब तक। और गरीबी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा बात है कि रोजगार, इसलिए हम लोग रोजगार पर ध्यान देंगे। इनको किस तरह स्वावलंबी बनाना है उस पर ध्यान देंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त मुहैया करवाना हम लोग का पूरा योगदान रहेगा। आगे चलिए, आप बोलो।